जबलपुर के कैंट थाना क्षेत्र के सीला टॉकीज नंबर 30 के पास ग्राउंड में गई एक शादी समारोह में परिवार के साथ गई युवती के साथ उसके पुराने प्रेमी ने उसे पैरों में चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद युवती ने मामले की शिकायत कैंट थाना पुलिस को की है। वहीं युवती ने बताया कि वह निहाल पांडे नाम के युवक के साथ पहले बातचीत करती थी, पर उसका रिश्ता कहीं और तय हो जाने के कारण उसने उससे बात करना बंद कर दिया है, जिसके बाद वह युवक सीला टॉकीज के पास आया। जब वह एक प्रोग्राम से अपने परिवार के साथ निकल रही थी, वहां उसने उसके दोनों पैरों पर चाकू मारते हुए उसे घायल कर दिया। वहीं बीच बचाव करने आई उसकी मां से भी निहाल पांडे ने मारपीट कर दी। वहीं पूरे मामले की शिकायत कैंट थाना पुलिस को की गई है। वहीं कैंट थाना प्रभारी अरविंद चौबे ने बताया कि युवती की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और निहाल पांडे नाम के युवक की तलाश पुलिस कर रही है। जल्द युवक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी। जबलपुर से सुनील सेन की रिपोर्ट। सर मैं कल इसने ऐसा करा हमारे साथ, हमारे बच्चा एक ही हमारी बड़ी लड़की है ये कमाने वाली, इसको कल को कुछ हो जाएगा तो हमारी छोटी लड़की और हम कहाँ जाएंगे। इसको मारा पे पहले हमारे बच्चे को चाकू मारा, फिर ये चिल्ला के दम से वो करी तो दूसरे पे पैर में भी मार के, और वो बच्चा हमारा नीचे गिर गया। हम गए बचाने तो हमको भी पेट में दो घूंसा मारा और ढकेल दिया। ये निहाल पांडे है। अब बच्चा हमारा बात करता था, अब वो नहीं करना चाहती तो तुम अपना रास्ता देखो, वो अपना रास्ता देख रही। हाँ मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चे के पीछे ना करे वो, और मेरे बच्चे से दूर रहे, मेरे बच्चे को आगे के लिए अब ये नहीं होना चाहिए कुछ। हाँ अब मेरे बच्चे को आगे के लिए पुलिस से ही थोड़ा सा सकट करके हमारे बच्चे को बचा सके तो बहुत बहुत मेहरबानी। मेरा नाम डॉर्थी जॉर्ज है, हम सीतापाड़ बजरिया में रहते हैं, हमारे दो बच्चे हैं और हम हैं बस 3 जन।